हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर के परांठे। आपको मैं दो तरह के पनीर के परांठे बना के दिखाऊंगी। दो कटोरी आटा ले लेंगे, आप कोई भी कटोरी यूज कर सकते हो। और इसमें फ्लेवर के लिए अजवाइन डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी लिया है, लेकिन ये पानी पूरा नहीं लगता है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इसमें छेद करेंगे और थोड़ा पानी ऊपर से लगा देंगे। इससे आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है और इससे परांठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको कद्दूकस करेंगे। अब ये कद्दूकस हो गया है, इसमें हम एक चॉप किया हुआ प्याज मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च कट करके रखती थी, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, 2 हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो शिमला मिर्च और प्याज हमने इसमें बारीक कट करके डाले हैं, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, परांठे का स्वाद दुगना बढ़ा देता है। अब यहाँ पे आटा भी सॉफ्ट हो गया है, इसको हम थोड़ा सा गूंथेंगे और इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे, सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं। अब इसको हल्के हाथों से बेलेंगे और इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि इसका मसाला जो है बाहर ना निकले। इसी प्रकार हम सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं। अगर आपको सिंपल सा पराठा बनाना नहीं आता है, आपकी स्टफिंग बाहर निकलती है, तो 2 गोलियां आटे की लीजिए और उसको बड़ा बेलना है। उसके अंदर हम पनीर और आलू जो भी है उसका स्टफिंग भर देंगे और उसको साइड से एकदम प्रेस करके, ताकि उसकी स्टफिंग बाहर ना निकले, हल्के हाथों से बेल देंगे। पराठा बनके तैयार है। अब हम इसको तवे में डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको तवे के ऊपर डाल देंगे, इसको एक साइड पकने देंगे। अब ये पक चुका है, दूसरी साइड पलट लेंगे। आप इसमें घी या तेल अपने अनुसार लगा सकते हो, तेल से भी ये परांठा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसको दूसरी साइड पलट के इसमें तेल लगा देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि ये क्रिस्पी बन जाए और खाने में बहुत ही टेस्टी हो। ये तैयार है, हम इसको निकाल देते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे प्रकार का परांठा तैयार कर लेते हैं। इसको हम बेल देंगे, हल्के हाथों से बेलना है ताकि इसका पनीर जो बाहर ना निकले, और इसको तवे में डाल देंगे। अब इसमें हम तेल लगा लेंगे। एक साइड पक चुका है, दूसरी साइड भी हम तेल लगा लेंगे। अब ये तैयार है एकदम क्रिस्पी बनके। अब इसको हम निकाल देते हैं। इसी प्रकार हम सारे परांठे तैयार कर लेते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान होते हैं, आप इनको कभी भी बना सकते हो, अपने बच्चों को भी खिला सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसमें तेल लगा लेते हैं। अब दूसरी साइड पलट देंगे और तेल लगाएंगे। इस परांठे को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे सारे परांठे बनके तैयार हो चुके हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।